हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल जौहर जॉब स्ट्रीम में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए एक और नई वैकेंसी की डिटेल लेके आया हूँ। यहाँ पे ये है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा की जो वैकेंसी निकली दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला प्रखंड स्तर पर जो गठित PMU में नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण से संबंधित सूचना है, ठीक है। और दोस्तों, इसमें क्या जो लास्ट डेट जो है दोस्तों, इसकी 5/2 यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए apply.apply.rdd.jharkhand.gov.in पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 5/2/2020 से 14/2/2020 तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बात करते हो यहाँ पे, जैसे कि जिला समय की बात करें तो 35,000 रुपये उसकी मासिक वेतन है दोस्तों। इसमें कुल पद एक है, ये जनरल के लिए सिर्फ, ठीक है। इसमें 20-22 से लेकर 45 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण और PGDRD, ठीक है, MARD एवं 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह प्रशिक्षण समय के लिए भी एक पोस्ट है, इसमें 35,000 है और भी जनरल के लिए 22 से 45 वर्ष इसके लिए भी है और इसमें भी 3 वर्ष का कार्य अनुभव और वही चीज़ मांगा गया, ठीक है। और हम लोग नीचे जैसे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर में हम लोग दोस्तों कि लेखपाल सह कंप्यूटर के लिए ऑपरेटर के लिए 15,000 रुपये आपके मासिक वेतन रहेगी। अभी जनरल के लिए है और एक ही पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी 18 से 30 वर्ष मांगी गई एज, नहीं, इसमें 18 से 30 वर्ष मांगी, बाकी सब में उसमें 18 से 22 से 45, ठीक है। और इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट +2 12th, ठीक है, इसमें 12th मांगी गई दोस्तों। और इसमें DCA होनी चाहिए आपकी योग्यता और इसमें बोला है कि 1 वर्ष का कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य है। आपको कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं प्रखंड स्तर पर जो है भर्ती होगी दोस्तों, वो तो जिला स्तर पर थी, ठीक है। ये जो थे अभी हम लोगों ने देखे ये 3 जो पद, ये जिला स्तर पर होने वाले, ठीक है। और हम लोग नीचे देखते हैं यहाँ प्रखंड स्तर पर, जो प्रखंड स्तर पर हो रही है दोस्तों, उसमें जो पद के नाम है यहाँ पे वो है प्रखंड समन्वयक के लिए, उसमें मासिक वेतन आपकी 18,000 रुपये होगी और इसमें कुल पद है दोस्तों 12 पद है, ठीक है। जनरल के लिए 6 पद है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 और BC1 के लिए 2 और BC2 के लिए 1 पद है, टोटल 12 पद है। और इसमें एज जो मांगे वो 12 से 22, माफ कीजिए, 22 से लेकर 45 वर्ष मांगी गई है। और इसमें शैक्षणिक होता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण या फिर PGDRD, MARD, पता नहीं कौन सी ये है दोस्तों, ठीक है। आप लोग अगर है तो भर सकते हैं और या फिर एक वर्ष का कार्य अनुभव, ठीक है। और किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। और इसमें अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, जैसे लेखपाल सर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इसमें 110,000 रुपये आपके मासिक वेतन दिए, इसमें 12 पोस्ट है। इसमें उसी तरह इसमें भी जनरल के लिए 6 है, SC के लिए 2, ST के लिए, ठीक है, ST के लिए 1 है, BC1 के लिए 2, BC2 के लिए 1, टोटल 12 पोस्ट है। इसमें भी इसमें 18 से 30 वर्ष एज मांगी गई है और इसमें भी दोस्तों विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव, तो पहले वाला का, ठीक है। ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट 12th मांगा गया, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA के साथ 6 माह का कार्य अनुभव मांगा गया इसमें और हिंदी और अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य है दोस्तों। मतलब कंप्यूटर रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए और अपने कॉमर्स विषय से 12th की है और ये थी ग्रेजुएशन वाली, ठीक है। ये जो पहली वाली थी 12th, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए थी और ये जो है ये 12th वालों के लिए। और हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें जो कहा गया आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा, apply.rdd.jharkhand.gov.in पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, ठीक है। इसके लिए कोई फी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग 14, माफ कीजिए, कितना डेट था, 5 से लेकर 14/2 तक आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो 5/2 से लेकर 14/2 तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें फी की मतलब कोई जिक्र नहीं किया गया, इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और फी की बात नहीं है। तो दोस्तों झारखंड से रिलेटेड कोई भी झारखंड के निवासी इसको अप्लाई कर दें अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। और इसमें चयन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, इसमें चयन चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के न्यूनतम 50 अंक, ओबीसी और जन ओबीसी BC1 BC2 के लिए 40 अंक और ST SC के लिए 45 अंक लाना अनिवार्य, ठीक है। इसमें देखिए कंप्यूटर परीक्षा के उत्तीर्णता का स्तर 40% होगा, यानी कि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा, जो कंप्यूटर के लिए जो लोग फॉर्म भरेंगे कंप्यूटर वाला का, ठीक है, उनके लिए इतना लाना अनिवार्य है।
और यहाँ पे दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा, और कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कंप्यूटर टंकण की परीक्षा ले सकती है, मतलब आपकी टाइपिंग की टेस्ट की जाएगी वहाँ पे कि आपको कितनी आती है कितनी नहीं आती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वैकेंसी। दोस्तों वैकेंसी कैसी लगी, वैकेंसी डिटेल मैंने आप लोगों को सही से दे पाया हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, और इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेते आता हूँ। झारखंड रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है दोस्तों, मैं हमेशा हमारे चैनल पर सबसे पहले आता है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए, और बेल के आइकन को ऑल कर लें, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो को लेके, नए वैकेंसी की डिटेल लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।